हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपकी जो सिंगल ब्लॉक शू ब्रेक की प्रॉब्लम्स है उनकी बात कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे जो थ्योरेटिकल वाली वीडियोस है वो नहीं देखे तो प्लीज़ आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रॉब्लम देखते हैं सबसे पहले कि इस प्रॉब्लम में करना क्या है। शो अ ब्रेक शू अप्लाइड टू अ ड्रम बाय अ लीवर ए बी, मतलब कि यहाँ पे एक लीवर दिया है जो कि है मेरा ए बी लीवर दिया, क्या दिया है आपका ए बी लीवर दे दिया। उसके बाद बोला कि विच इज पाइवोटेड एट अ फिक्स पॉइंट ए, मतलब कि जो ए पॉइंट पे पाइवोटेड है एंड रिजिडली फिक्स्ड टू द शू, मतलब कि अपन के इसके ऊपर क्या है एक शू लगा हुआ है और जो फिक्स्ड है। द रेडियस ऑफ द ड्रम इज 160 mm, मतलब कि जो रेडियस ऑफ द ड्रम दिया वो कितनी दी आपको 160 mm। द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन एट द ब्रेक लाइनिंग, मतलब इसके बीच में जो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है यहाँ पे वो कितना दिया आपको 0.3। इफ द ड्रम रोटेट्स क्लॉकवाइज, यहाँ पे कैसे घूम रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो फाइंड द ब्रेकिंग टॉर्क ड्यू टू हॉरिजेंटल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। ये हॉरिजेंटल फोर्स नहीं, यहाँ पे ये वर्टिकल फोर्स है, ठीक है, वर्टिकल फोर्स एट बी। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बात करनी है कि ये मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा है तो मेरा एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा कहाँ पे लग रहा होगा, यहाँ पे एफ टी, यहाँ पे मेरा एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। और मुझे कहाँ पे मूवमेंट निकालना है, यहाँ पे इस जगह पे। तो ये मैंने केस वन करके रखा है कि ये मेरा केस वन है और इसका मेरे पास एक और डायग्राम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा केस टू करके डायग्राम है। तो पहले मैं केस वन की कंडीशन निकालूंगा फिर केस टू की कंडीशन निकालूंगा। तो केस वन की कंडीशन इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। केस वन की कंडीशन में अपन को क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि ये फ्रिक्शन फोर्स मेरा यहीं से पास कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी देखते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट। तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि अगर मैं मूवमेंट लेता हूं ए के अबाउट तो क्या होगा। देखिए ये वाला जो फोर्स है वो कैसे घूम रहा होगा आपका क्लॉकवाइज, ये वाला फोर्स कैसे घूम रहा होगा आपका क्लॉकवाइज, और यहां से जो रिएक्शन होगी आर एन वाली वो कैसे आएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिए 600 मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 400 प्लस की 350, इट मीन 750। तो 750, अब यहाँ इसकी बात करते हैं प्लस के एफ टी, तो इसकी देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से 0, क्योंकि इसके बीच में कोई गैप ही नहीं, तो ये क्या हो गया 0 इज इक्वल आर एन मल्टीप्लाई 350, ठीक है। तो यहाँ से मैं पहले ब्रेकिंग टॉर्क निकालूंगा, तो कितना 600 मल्टीप्लाई 750 इज इक्वल आर एन इंटू 350। तो आर एन की वैल्यू कितनी निकल के आएगी आपकी 600 इंटू 750 ओवर 350। तो देख लेते हैं 600 इंटू 750 डिवाइड बाई 350, तो कितना निकल गया आपके 1285.71 न्यूटन। तो ये हो गया मेरा आंसर जो कि मेरी निकली रिएक्शन। इसके बाद पूछते हैं वो ब्रेकिंग टॉर्क क्या पूछ रहे हैं। सो ब्रेकिंग टॉर्क टी इज इक्वल क्या होगा आपका एफ टी इंटू आर, तो एफ टी की वैल्यू कितनी होगी आपकी म्यू आर एन इंटू स्मॉल आर, और म्यू की वैल्यू कितनी दी उन्होंने 0.3 मल्टीप्लाई 1285.71 न्यूटन मल्टीप्लाई दैट्स रेडियस। तो उन्होंने रेडियस कितनी दी है ड्रम की 160 mm, तो 0.16। तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर लिया, तो मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.16, तो कितना निकल गया आपके पास आंसर 61.71 न्यूटन मीटर। ये आया जबकि जब आपका जो फलक्रम है वो उसकी जो सरफेस है उससे बिल्कुल अटैच्ड है, जब ये कंडीशन निकल के आ रही है कि उसका टॉर्क क्या है 61.71 निकल के आ रहा है। अब केस टू की बात कर लेते हैं। केस टू की कंडीशन में आपको दिख रहा है कि जो ए पॉइंट है और जो बी पॉइंट है उसके बीच में पहले फलक्रम मेरा यहाँ पे आ रहा था, अब उसके बीच में कुछ गैप आ गया, मतलब डिस्टेंस आ गई, तो अब इसका केस चेंज हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ क्या होगा। टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए पॉइंट, तो आपको पता है क्लॉकवाइज घूम रहा है तो फ्रिक्शन तो मेरा यहां से आएगा इस जगह से, कितना निकलेगा एफ टी, और इस जगह से मेरी एक रिएक्शन कैसे आएगी वो तो क्या होगी मेरी आर एन। तो क्या होगा देखो, ये मेरी क्लॉकवाइज, ये भी मेरी क्लॉकवाइज, और ये मेरी एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या निकलेगा 600 मल्टीप्लाई सेम पहले की तरीके से 400 प्लस 350 दैट इज 750 प्लस के अब फ्रिक्शन फोर्स
एफ टी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस जगह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी आपकी, देखिए दिस इज अ 260 और इसकी रेडियस कितनी दी है आपको 160। तो 200 में से मेरा कितना जाएगा 160, तो कितना बचेगा आपका 40। ठीक है, कितना 200 में से 160 जाएगा तो कितना बचेगा 40 इज इक्वल आर एन मल्टीप्लाई 350, आर एन मल्टीप्लाई 350। तो यहाँ पे देखते हैं 600 मल्टीप्लाई 750 आर एन मल्टीप्लाई 350 माइनस के एफ टी को मैं लिख सकता हूँ म्यू आर एन इंटू 40। तो क्या निकलेगा यहाँ से, आर एन मल्टीप्लाई 350 माइनस के म्यू की वैल्यू 0.3 आर एन इंटू 40 इज इक्वल 600 इंटू 750। ठीक है गाइस, तो देख लेते हैं यहाँ पे कितना निकलेगा। आर एन कॉमन ले लिया, 350 माइनस के 0.3 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल 600 इंटू 750। क्या निकलेगा, 350 माइनस के 0.3 मल्टीप्लाई 40 और 600 मल्टीप्लाई 750 डिवाइड बाई आंसर कितना निकला, आर एन इज इक्वल 1331.36 न्यूटन। सो ब्रेकिंग टॉर्क टी इज इक्वल एफ टी इंटू आर, एफ टी इंटू आर, तो एफ टी इज इक्वल म्यू आर एन इंटू आर। तो म्यू की वैल्यू आपको पता ही कितना है, 0.3, आर एन इज इक्वल 1331.36 इंटू 0.16, तो मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 0.16, तो कितना है आपका 63.90 न्यूटन। दिस इज द आंसर और दिस इज ऑल्सो आंसर। तो आपने यहाँ पे एक चीज देखा कि केस वन केस टू के अंदर अगर मेरा फलक्रम की डिस्टेंस चेंज हो रही होती है तो मेरा आंसर भी क्या आ जाता है, चेंज होकर आता है। आंसर क्या निकल के आता है मेरा, चेंज होके आता है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक, तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।